इंद्र की अनाज मंडी में मंडी प्रशासन की मिली भुगत से ट्रेंडिंग का काम धड़ल्ले से जारी है। बरामद गेहूं से लदे हुए हैं ट्रले व अन्य वाहन बिना गेट पास की मंडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बता दें कि मंडी के गेटों पर तैनात कर्मचारी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गेहूं की ट्रेंडिंग इंद्र के अनाज मंडी में हो रही है। हम आपको बता दें कि रात की शिफ्ट में लगे कर्मचारी रात को सो जाते हैं और उसके सोने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम ट्रेंडिंग में लगे व्यापारी धड़ल्ले से करते हैं। यहां तक कि एक गेट पर तैनात कर्मचारी ने एक ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह तेज गति से उस अनाज मंडी के अंदर लेकर दाखिल हो गया। उसने इसके बारे में मंडी प्रशासन के कर्मचारियों को सूचित किया, लेकिन अभी तक किसी भी व्यापारी के खिलाफ मंडी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सारा खेल मंडी प्रशासन के सहयोग से चल रहा है। तो वहीं पर जब इसके बारे में इंद्री मंडी के सचिव दीपक से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की उनके पास कोई सूचना नहीं है। यदि इस प्रकार कोई भी मंडी के अंदर ट्रेंडिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाएंगे और कर्मचारियों को सूचित करेंगे कि इस मामले में इस प्रकार का कोई द्वारा काम ना किया जाए। हाँ जी, आज सुबह से स्मूथली शुरू हो गई, कल भी हुई थी हमारी, कल थोड़ी सी कंफ्यूजन रहा, लेकिन 8,000-9,000 के करीब कल भी हुई थी। 9,000 तो लगभग अब तक आवक तक इंद्री मंडी में तो 217,149 क्विंटल है जी, और कैना में 38,344 क्विंटल है, और कड़ी बिरबल में है आपकी 7,976 क्विंटल। एजेंसी की बात की जाए तो किस DFSC ने अब तक फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने उठाया 30,000 क्विंटल लिफ्टिंग कर चुके हैं। रैफेड ने अभी तक 4,244 क्विंटल। क्या पिछले साल की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा है? उम्मीद है जी अब की बार यील्ड जो है आप देसी भाषा में झारखंड पिछले साल की अपेक्षा ठीक ठाक है, ज़्यादा उम्मीद है जी। तो गेट पास अराइवल भी ज़्यादा ही आ गई। वैसे तो भाई 6 से 8 का ही है हमारा सुबह 6 से 8, लेकिन लेट आवर्स में भी कोई भूला भटका किसान पाया जाता है, उसके लिए भी सुविधा है। कितने गेट है? गेट अभी 3 हमारे एक्टिव हैं, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो कई बार रात को जैसे हमने 3 बजे देखा तो 2 बजे भी देखा तो गेट से मतलब सीधी एंट्री हो रही थी, तो कोई उसका अपना जो कर्मचारी थे वो सोए पड़े थे, हर एक तीनों गेटों पर जाके पूछा तो भी गया और कैसे आप एक रन ली गई है कि नहीं, इसको गेट पास करता है तो मुझे पता लग गया। मैं तो ये क्या मामला है, इसकी तो मैं अभी जांच करवा लेता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ मामला आ जाए तो ट्रेडिंग का काम चल रहा बाहर से आ रही है ये। नहीं, हमारे मंडी में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। तो कर्मचारी से भी बात की गई तो कर्मचारी ने छोटा दे उसको रोक किया तो नहीं, कौन है फिर वो अफवाह फैला रहा है, एक बार उसको मेरे आगे रूबरू करवाओ आप। कर्मचारी नाम बताओ ना फिर। 24 घंटे कर्मचारी का नाम है, आगे तो बड़ी ड्यूटी लगा रखी है। उस पर एक्स्ट्रा भी किसी की ड्यूटी लगाई गई रात को, मतलब इस तरह का अगर बाहर की जो है गेहूँ ना आए अंदर ट्रेडिंग ना हो। नहीं, गेट पे ड्यूटी है जी, बाकी अगर गेट पे कुछ आप होता ही है छोटी मोटी तो उसको आज दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल। 30 चैनल के लिए इंद्र से अमित सरोहा की रिपोर्ट।